हमेशा की तरह आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं टॉप 10 मिथ्स के बारे में। और हाँ, अगर आप लोग पबजी मोबाइल एंड BGMI के टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फिर आप लोग INDMOL चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। टैक्टिकल क्रॉसबो का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल बोल्ट और फ्लेमिंग बोल्ट दोनों का डैमेज अलग अलग है, तो आओ चेक कर लेते हैं। अपने सामने की तरफ दो एनिमी है, एक एनिमी के हाथ में फ्लेमिंग बोल्ट है और एक एनिमी के हाथ में नॉर्मल बोल्ट है, तो अपने ऊपर नॉर्मल बोल्ट चलाने बोलते हैं। और यहाँ पे देख लो, मेरे ऊपर नॉर्मल बोल्ट चलाया एनिमी ने और यहाँ पे मेरी 20% हेल्थ बची है, ठीक है। तो मैं दूसरे वाले बोल्ट में नॉक हो गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से रिवाइव ले लेते हैं और फ्लेमिंग बोल्ट भी चलवा के देख लेते हैं। अब यहाँ पर अपन फटाफट से रिवाइव ले लेते हैं और अपनी हेल्थ को फटाफट से फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट डैमेज हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने वापस से लेवल 3 की वेस्ट पहन ली है। और ये जो अपने राइट साइड में एनिमी दिख रहा है ना, उसके हाथ में फ्लेमिंग बोल्ट है, तो आओ यार उसे बोलते हैं कि हम फ्लेमिंग बोल्ट चला, वो भी बॉडी शॉट मार, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बॉडी शॉट यहाँ पे मारा और आप लोग देख सकते हैं मेरी 20% हेल्थ बची थी और भी कम हो रही है, क्योंकि यार मेरे अंदर मॉली वाली आग लग गई है, क्योंकि यार वो आग वाला बोल्ट है ना, तो फिर अपने शरीर में आग लग जाती है। तो यहाँ पे मैं उसे बोलता हूँ वापस से एक बॉडी शॉट मार, और वो जैसे यहाँ पे मेरे को मारता है मैं वापस से नॉक हो जाता हूँ और मेरे को अचानक से और भी ज़्यादा डैमेज होने लगता है, क्योंकि यार वो फ्लेमिंग बोल्ट है, आग वाला बोल्ट है, तो यार उसमें आग लगी होती है तो अपने शरीर में भी आग लग जाती है। तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि दोनों बोल्ट के अंदर फ़र्क है, तो एक बोल्ट से ज़्यादा डैमेज होता है और एक बोल्ट से कम डैमेज होता है, तो यहाँ पर हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। ब्लू जोन आने के बाद भी अगर आप बुलन बे, सनसेट स्ट्रीट और रिगल रिसोर्ट के पुल में जाते हो तो आपकी हेल्थ बढ़ेगी, तो आओ चेक कर लेते हैं। अपने सामने की तरफ वही वाला पुल है जिसके अंदर हम लोग जाते हैं तो हमारी हेल्थ बढ़ती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं पुल के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे मेरी हेल्थ अभी बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ब्लू जोन आ रहा है हमारे करीब और ये देख लो भाई, मैं ब्लू जोन के अंदर आ गया हूँ, मतलब कि ये वाला पुल ब्लू जोन के अंदर आ गया है और यहाँ पे अभी मेरी हेल्थ बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। तो हमारे भाई बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे ब्लू जोन आ जाता है और आप लोग इस पुल के अंदर हो तो फिर आपकी हेल्थ बढ़ने वाली है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिस हो जाती है बस्टेड। बीच पे जो आपको बॉल देखने मिलते हैं आप उनका कवर ले सकते हैं एनिमी से बचने के लिए, तो आओ चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं। अभी अपन आ चुके हैं बीच पे और सामने की तरफ एनिमी है और एक बॉल का कवर लेके हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे एनिमी ने गोली चलाना स्टार्ट की है और यहाँ पे मैं नॉक हो गया हूँ भाई, बॉल फट गया और यहाँ पे मैं नॉक भी हो गया हूँ। तो भाई इस चक्कर में मत पड़ना, आओ एक बार दिखाता हूँ कि क्या सीन हो रहा है। अपने सामने की तरफ दो बॉल है और दोनों बॉल के पीछे एक एक एनिमी छुपे हुए हैं, ठीक है। उन लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे यहाँ पे मैं गोली चलाता हूँ बॉल हवे में उछल जाता है और भाई उनका कवर कुछ काम नहीं आता है। तो यार आप लोग भी यार कभी भी बॉल का कवर लेके आगे की तरफ मत बढ़ना, नहीं तो फिर आप लोग भी नॉक फिनिश हो जाओगे। तो नहीं यार, ये मिथ बस्टेड है। नूसा मैप की 3 गाड़ियां पानी में फ्लोट करती है, पहला मॉन्स्टर ट्रक, दूसरा क्वाड बाइक, तीसरा कू बार्बी। आओ चेक करते हैं। अपने सामने की तरफ 3 गाड़ियां है, क्वाड बाइक है, कू बार्बी है, मॉन्स्टर ट्रक है, तीनों को पानी में ले जाने बोलते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मॉन्स्टर ट्रक तो भाई पानी के अंदर फ्लोट करने लगा है और आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो क्वाड बाइक है वो भी पानी के अंदर फ्लोट करती है, जैसा कि अभी भी कर रही है। और यहाँ पे भाई कू बार्बी धीरे धीरे करके पानी के ऊपर आ रही है, तो यार कन्फर्म है कि वो आ ही जाएगी। एक बार मैं पानी में जम करके दिखा देता हूँ कि देख लो भाई वो भी पानी के अंदर फ्लोट कर रही है। तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि ये जो 3 गाड़ियाँ है ये पानी के अंदर फ्लोट करती है, तो ऐसा बिल्कुल है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिस हो जाती है कन्फर्म। फ्लेम विलेज में जो आपको झोपड़ियाँ देखने मिलती है उन्हें आप मॉली से जला सकते हैं, तो यार अभी तक तो हम लोग फ्लेमिंग बोल्ट से जलाते थे, आओ यार मॉली से भी जला के देख लेते हैं। अभी हम खेल रहे हैं नूसा मैप, आओ यार शॉप में चेक करते हैं, क्या पता यहाँ पे अपने को मॉली मिल जाए। और यहाँ पे मैंने पूरा चेक किया, यहाँ पे मॉली तो नहीं है। और भाई यार पूरे नूसा मैप के अंदर मैंने बहुत ढूंढा, अपने दोस्तों को लगाया था पूरा ढूंढने के लिए, लेकिन यार उन्हें किसी को भी मॉली नहीं मिला। तो यार हम लोग नेट से ट्राई करने वाले हैं कि यार नेट से ये जो झोपड़िया है ये जलेगी या फिर नहीं, तो आओ चेक कर लेते हैं, नेट से ही चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे पहला नेट फटा, यहाँ पे झोपड़ी पे कोई भी असर नहीं है और भाई पूरे मैप में कहीं पे भी मॉली नहीं मिलती है। अगर किसी को मिलती है तो यार मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर देना भाई, और मेरी तरफ से भाई एक रॉयल पास गिफ्ट ले लेना। और फिलहाल के लिए ये वाली मिथ तो अभी कंफर्म भी नहीं है, बस्टेड भी नहीं है, क्या पता यार किसी को मॉली मिली जाए। तो खैर यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। मिथ ये है कि भाई पॉट बोले तो गमला दो नेट में टूटता है, तो यहाँ पर हमारे भाई इस वाले गमले की बात कर रहे थे और इस गमले के अंदर मैंने एक एनिमी को बिठा दिया है। और आओ फटाफट से एक नेट फेंक के देखते हैं कि भाई ये गमला जो है कि एक नेट में फटता है कि दूसरे नेट में फटता है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला नेट फटा, अंदर वाला जो बैठा एनिमी था वो नॉक हो गया है। और यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला नेट फेंकते हैं और देखते हैं कि ये गमला फटता है या फिर एनिमी फटता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गमला भी फट गया है, एनिमी भी फट गया है। तो यहाँ पर हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि दो नेट के अंदर गमला टूट जाता है, तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली भी तो जाती है कन्फर्म।
मटका मॉन्स्टर ट्रक से नहीं तोड़ सकते, तो आओ देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि भाई ये मटका क्वाड बाइक से टूटता है या फिर नहीं। तो यार ये जो गमला है, ये जो मटका है, वो क्वाड बाइक से टूट रहा है, मतलब कि नॉर्मल बाइकों से टूट रहा है। तो अपने सामने की तरफ एक मॉन्स्टर ट्रक है, और मॉन्स्टर ट्रक से भी चेक कर लेते हैं कि ये जो मटका है वो टूटता है या फिर नहीं। तो हमारे भाई बोल रहे थे कि यार ये मॉन्स्टर ट्रक से नहीं टूटेगा, सामने की तरफ एक मटका है इसे ठोकते हैं, और भाई नहीं टूट रहा है। आगे की तरफ देख रहे हो, पूरा जिंदा मटका खड़ा है। तो गाड़ी पीछे लेता हूँ फिर आगे लेता हूँ, ये बात टूट जा भाई, सच में नहीं टूटता क्या मॉन्स्टर ट्रक से। एक काम करता हूँ, पूरा रिवर्स जाता हूँ पीछे की तरफ, और ये डासिया, ओ भाई चलो ठीक है कोई नहीं, इतना दूर काफ़ी है, और यहाँ से भगा के लेके आता हूँ, और ये लास्ट ट्राई है मेरा, और धड़ नहीं यार। तो यहाँ पे हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है, मॉन्स्टर ट्रक से अपन इस मटके को नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल सही बोला है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली भी तो जाती है कन्फर्म। तो यहाँ पर हमारे भाई का बोलना है कि आप लोग टैक्टिकल क्रॉसबो का यूज करके जिप लाइन को नहीं तोड़ सकते, तो आओ चेक कर लेते हैं। अपने सामने की तरफ एक जिप लाइन है, तो सबसे पहले इसे तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तोड़ लिया है, और आप लोग को ये बात तो पता ही होगी कि हम लोग क्रॉसबो से अगर सामने वाले खंबे पे मारते हैं तो यार ये जिप लाइन जुड़ जाती है, जैसा कि ये जुड़ चुकी है। और यहाँ पे अभी मैं इस रस्सी पे जैसे ही क्रॉसबो मार रहा हूँ, तो देख रहे हो एरो इसकी रस्सी पे गड़ जा रहा है। तो यहाँ पे भाई हम लोग जिप लाइन को इस टैक्टिकल क्रॉसबो से नहीं तोड़ सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, नॉर्मल मतलब गन वगैरह से इस जिप लाइन को तोड़ सकते हैं, लेकिन भाई क्रॉसबो से नहीं तोड़ सकते। तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है। तो इसी के साथ यहां पर ये वाली भी तो जाती है कंफर्म। चिकन डिनर होने के बाद आप जिप लाइन नहीं तोड़ सकते, ऐसा भी है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। अब भाई यहाँ पर अपना फटाफट से चिकन डिनर हो गया है, और यहाँ पे सामने की तरफ जिप लाइन है, तो फटाफट से इसकी तरफ बढ़ते हैं और फायर करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, इस जिप लाइन की जो रस्सियां है उसके आजू बाजू एक इनविजिबल वॉल आ गई है, मतलब कि एक पत्थर सी बन गई है भाई ये रस्सी, देख रहे हो भाई। यहाँ पे अपना चिकन डिनर होने के बाद ये जिप लाइन अपन ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली भी तो जाती है कन्फर्म। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लोग लास्ट किल करते हो और उसके बाद चिकन डिनर ले लेते हो, तो फिर आप लोग वो जो सामने वाले एनिमी को मारा है उसका पेटी आप नहीं लूट पाओगे, तो आओ चेक कर लेते हैं। अपने सामने की तरफ एक लास्ट एनिमी भाग रहा है, और अपन ने अपना तवा निकाला और दे मारा, और यहाँ पे अपना चिकन डिनर हो गया है, और आओ यार उसकी पेटी लूट के देखते हैं कि लूट पाते हैं या फिर नहीं। और सामने की तरफ पेटी है, तो यहाँ पे पेटी लूटने का तो यार कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, और ये तवा तो मैंने वापस से उठा लिया है अपना वाला। और सामने की तरफ घर वगैरह है, तो हम लोग शायद ना घर वगैरह में भी कभी कभी लूट नहीं कर पाते, तो अभी चेक कर लेता हूँ घर के अंदर मैं लूट कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। तो अभी तो यार मैं घर के अंदर लूट कर पा रहा हूँ, तो यार कभी कभार ऐसा ग्लिच हो जाता है ना कि फिर आप लोग लास्ट में घर वगैरह में भी लूट नहीं कर पाते हो, जिप लाइन भी तोड़ नहीं पाते हो, और जिप लाइन का यूज़ भी नहीं कर पाते हो, और पेटी भी नहीं लूट पाते हो चिकन डिनर होने के बाद। तो यार बहुत कुछ आ गया है, तो यार चलो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। तो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और इस वीडियो के अंदर कुछ सस्ती मिथ थी, कुछ महंगी मिथ थी, तो यार ज़्यादा लोड मत लेना। और आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, मतलब कि एरेंगल मैप पे चाहिए, फिर लिविक मैप पे चाहिए, कमेंट कर देना। तो फिर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।